जहां एक तरफ लॉकडाउन के बायस रसालपुर इंडस्ट्रियल जोन में कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं, रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। रिपोर्ट करें नौशहरा से। रिसालपुर में 200 से ज्यादा छोटी बड़ी इंडस्ट्री कायम है, लेकिन इस सनती जोन में हालिया लॉकडाउन और बिजली की नारवा लोड शेडिंग और बार बार ट्रिपिंग से कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। जहां 3000 तक मजदूर कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। चाचा जैसे आते हैं इधर काम करने के लिए, लेकिन यहाँ बिजली नहीं होती, कल भी पूरे दिन नहीं थी। हम अपने दिहाड़ी भी नहीं बना पाते, पूरे स्टेट में बस पीने का साफ पानी नहीं है। सनती जोन के मालिकान का कहना है कि इस इंडस्ट्रियल जोन से हुकूमत के खजाने को लाखों रुपए का फायदा है, मगर इस सनती जोन में निकासी आब, टूटी फूटी सड़कें और दर्जनों मसाइल दरपेश हैं। तो जब इंडस्ट्री इफेक्ट हो जाते तो जरूरी बात है उसके साथ जो एसोसिएट्स होते हैं, चाहे लेबर की शक्ल में हो, चाहे इनकम टैक्सेस की शक्ल में हो, और टैक्सेस की शक्ल में हो, तो वो तो सारे जो है ना वो इस हवाले से इफेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा ये जो ओल्ड स्टेट है नौशहरा इंडस्ट्रियल स्टेट, जो कि 1992 में बना था, उसके बाद अब तक जो है इसके ऊपर काम नहीं हुआ। सनअतकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंडस्ट्रियल के लिए अलहदा फीडर मंजूर करके यहां पर निकासी आब का मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन रुखसत ज़ादा के साथ